खबर मध्य प्रदेश के उज्जैन से है, जहां उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए और कार्यक्रम में अपने विषय में शत प्रतिशत परिणाम देने वाले शिक्षकों का सीएम ने सम्मानित किया। साथ ही साथ सीएम ने कहा कि गुरु कभी शिक्षक नहीं बन सकता, लेकिन शिक्षक गुरु जरूर बन सकता है। जिसके बाद सीएम ने मीडिया से चर्चा कर बताया कि आज शिक्षक दिवस के उपलक्ष में प्रदेश के शिक्षकों के साथ साथ शिक्षा विभाग में भी बहुत अच्छा कार्यक्रम किया है। प्रदेश के शिक्षकों को उनकी विद्या में उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित भी किया गया। उच्च शिक्षा विभाग के साथ साथ हमारे अपने खासकर स्कूल शिक्षा विभाग ने आज शिक्षक दिवस का बहुत अच्छा आयोजन किया है। पूरे प्रदेश के शिक्षकों को एक साथ अलग अलग विधाओं में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया। मैं स्वयं माधवनगर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उच्च शिक्षा विभाग स्कूल शिक्षा विभाग के माध्यम से एक्सीलेंस कॉलेज से जुड़ा हूँ। अलग अलग विधा के सभी शिक्षकों को सम्मानित करके शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने ये जो अभियान चलाया है, मैं उसकी सराहना करता हूँ। स्कूल शिक्षा विभाग के मंत्री माननीय राव उदय प्रताप सिंह जी, उनके सारे सहयोगियों को और सारे मित्रों को सबको बधाई देता हूँ। और जिस प्रकार से वर्तमान का समय चल रहा है, आने वाले समय में सीएम राइज स्कूलों के बनने के बाद हमारी गुणवत्ता और अच्छी रहेगी। हमारा प्रयास रहेगा प्रत्येक विद्यालय के अंदर मूलभूत सुविधाएं देते हुए शिक्षा का स्तर भी बनाए रखना हो और शिक्षा की गुणवत्ता के बलबूते पर हम अपने देश को नंबर वन का राज्य बनाए। शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में जो हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी में परीक्षा में जिन लोगों ने 100% रिजल्ट दिया था विद्यालय, और जहाँ के शिक्षकों ने 100% रिजल्ट दिया था, उन शिक्षकों को और वहाँ के संकुल प्राचार्य को आज सम्मानित किया है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा। कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा, सफल रहा, और साथ ही इसमें ISO सर्टिफिकेट भी 3 विद्यालयों द्वारा प्राप्त किया गया है, उनको भी पुरस्कृत किया गया है। इससे आगे एक अच्छा प्रचलन होगा, अन्य विद्यालय भी ISO के लिए अप्लाई कर पाएंगे।